हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं मनीष स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम जस्ट में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से जो मिनिस्ट्रियल लेवल के अंदर हेड कांस्टेबल की वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में, उसकी सारी डिटेल्स के बारे में हम बात करेंगे। कितनी वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी है और उसका सिलेबस क्या क्या रहने वाला है और पेपर का लेवल क्या रहता है और पिछली बार से अब क्या क्या चेंजेस आए हैं और एज रिलैक्सेशन में कितनी छूट मिली है, कितने एज वाले कैंडिडेट जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा गवर्नमेंट जॉब की पल पल अपडेट के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साइड में स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है उसको ओपन कर लिया है मैंने, ये भी आपके सामने विजिबल हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट डेट है वो मैंने पहले ही थंबनेल के अंदर लिख दी थी, तो आप इम्पोर्टेंट डेट्स को देख लीजिएगा। और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है आपकी वो वैकेंसी इम्पोर्टेंट है, तो वैकेंसी आप देख सकते हैं टोटल जो वैकेंसी है 559 वैकेंसी है, जिसके अंदर ओपन वैकेंसी जो है वो 503 वैकेंसी है और 503 वैकेंसी में से कैटेगरी वाइज डिवाइड है। तो यूआर के लिए 217 है, ईवीएस ईडब्ल्यूएस के लिए 50, ओबीसी के लिए 123 और एससी के लिए 59 और एसटी के लिए 54 वैकेंसी जो है इसके अंदर रिलीज की गई है। हेड कांस्टेबल फीमेल के लिए इसके अंदर 276 वैकेंसी अलग है जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। उसके अंदर यूआर के लिए 119, ईडब्ल्यूएस के लिए 28, ओबीसी के लिए 67 और एससी के लिए आपकी हैं 32 और एसटी के लिए आपकी हैं इसमें 30 वैकेंसी हैं। टोटल वैकेंसी जो है 276 है और इसके अंदर कोई भी एक्स सर्विसमैन की गर्ल्स के अंदर पोस्ट नहीं। एज की अगर मैं बात करता हूं तो जो मैक्सिमम एज लिमिट है इसकी वो 18 से 25 तक है, 25 साल मैक्सिमम एज रखी गई है खास करके यूआर के लिए। और जैसा ही एसएससी अपना सारी पोस्टों के लिए एज रिलैक्सेशन देता है तो इसके अंदर भी एज रिलैक्सेशन सेम है, वो मैं आगे बात करने वाला हूँ एज रिलैक्सेशन किसको कितना दिया गया है। जैसा कि आप इसके अंदर देख सकते हैं एज रिलैक्सेशन में जो लोग एससी एसटी के उनको 5 साल की छूट है, यानी कि वो 30 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, 30 साल से ऊपर नहीं होने चाहिए, 30 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और ओबीसी के लिए 3 साल की है और पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व का कोई कैंडिडेट है तो उसके लिए 10 साल की छूट दी गई है एज के अंदर, और पीडब्ल्यूडी ओबीसी का है तो उसको 13 साल और पीडब्ल्यूडी एससी एसटी का है तो 15 साल और एक्स सर्विसमैन ईएसएम का है तो उसको 3 ईयर आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस के बाद इसको दिया गया। मेनली हमारे यही एज सिलेक्सेशन होते हैं, बाकी तो नीचे जो दिया हुआ है स्पेशल कैटेगरी के अंदर आप उसको पढ़ लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर ये ऑफिशियल नोटिस जो है वो पब्लिश कर दूंगा। वहीं अगर हम बात करते हैं इसके सर्टिफिकेट के बारे में तो सर्टिफिकेट के बारे में जो भी है प्रोसेस इस पैरे के अंदर लिखा हुआ है, एससी एसटी का ओबीसी का जो भी सर्टिफिकेट है आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। हम बात करते हैं इसके अंदर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर आप मिनिमम 12th पास होने चाहिए, मैक्सिमम आपने कोई भी डिग्री कर रखी हो, 30 साल आपकी एज 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अगर आप एससी एसटी में है। तो अगर आप यूआर में हैं तो आपको 25 साल से ज़्यादा एज के बाद ये फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं अगर आप इंग्लिश की टाइपिंग करेंगे तो आपको 30 वर्ड पर मिनट जो है स्पीड निकालनी होगी, अगर आप हिंदी की करते हैं तो 25 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड जो है काउंट की जाएगी, क्योंकि हिंदी की स्पीड थोड़ी सी कमी होती है क्योंकि उसमें ज़्यादा वर्ड होते हैं, एक दो वर्ड को दबाने के बाद फिर एक कंप्लीट वर्ड बनता है तो इसलिए उसकी स्पीड कम रखी है। एनसीसी वालों के लिए यहाँ पर फ़ायदा है
एनसीसी वालों के लिए यहाँ पर क्या फायदा है इसके अंदर आप देख सकते हैं। एनसीसी सर्टिफिकेट सी अगर आपको है तो आपको 5% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी कि आपको 5% मार्क्स मिल जाएंगे। फिर अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट बी या ए है तो आपको 3% या 2% मार्क्स जो है मिल जाएंगे। उसी प्रकार से नीचे भी लिखा हुआ है, नीचे आप देख सकते हैं डिटेल्स ऑफ एडिशनल मार्क्स। एडिशनल मार्क्स जो हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि पोस्ट ग्रेजुएट या फिर आप प्रोसेसिंग डिग्री के अंदर हैं, अवार्डेड बाय द राष्ट्रध्यक्ष यूनिवर्सिटी, यानी कि आपको कोई अवार्ड अवार्ड मिला है तो उसके भी आपको मार्क्स यहाँ पर दिए जाएंगे। अप्लाई के बारे में हम बात नहीं करेंगे, अप्लाई करना आप सब लोग जानते हैं। और अगर मैं बात करता हूँ उसके रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में, तो सबसे पहले एक आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जैसा कि इस पैरा के अंदर लिखा हुआ है, वो 100 नंबर का होगा। और उसके अंदर आपकी, मैं क्लियर कर दूँ, नेगेटिव मार्किंग इस बार है, पिछली बार नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन इस बार ये बदलाव किया गया, एसएससी कंडक्ट करा रहा है तो नेगेटिव मार्किंग आपकी होने वाली है। उसके बाद आपका पीटी होगा फिजिकल, उसके अंदर आपकी ट्रेनिंग होगी, हाई जंप लॉन्ग जंप होगी। उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा 25 मार्क्स का, और उसके बाद आपका एक कंप्यूटर टेस्ट भी होने वाला है, यानी कि चार चरण जो हैं इसके अंदर होने वाले हैं आपको आपके लिए। और 90 मिनट का जो होगा वो सीबीटी टेस्ट होगा, और उसके बाद आपके 100 नंबर के बाद मेरिट लगेगी। नेगेटिव मार्किंग जो है इसके अंदर 0.50 नंबर की है, और हिंदी इंग्लिश के बाद हिंदी इंग्लिश में आप टाइपिंग कर सकते हैं। और अगर मैं बात करता हूँ, अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा हो गया है और मैंने आपको एग्जामिनेशन स्कीम भी बता दी है कि सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होने वाला है। अब इसके अंदर हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट आपके क्या क्या रहने वाले हैं। तो सब्जेक्ट के अंदर आपके 5 सब्जेक्ट इसके अंदर रहने वाले हैं, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, इंटेलिजेंस, जनरल इंटेलिजेंसी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और आपका कंप्यूटर 20-20 नंबर के आपके जनरल अवेयरनेस और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी कि मैथ और अवेयरनेस जो है आपके जीके, वो 20-20 नंबर का रहने वाला है। और जनरल इंटेलिजेंसी, रीजनिंग और इंग्लिश आपके 25-25 नंबर के रहने वाले हैं, और कंप्यूटर आपका 10 नंबर का रहने वाला है। ये टोटल मिला के आपके 100 नंबर हो जाएंगे, जो आपको 90 मिनट के अंदर सॉल्व करने होंगे। नेगेटिव मार्किंग मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आप सिलेबस को टॉपिक वाइज देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये डायरेक्ट नोटिफिकेशन या जो नोटिस है वो डाल दूंगा, वहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में, तो आपको पता है आई साइड को इसके अंदर 6x6 ही चलती है। अगर आपकी वीक है, थोड़ी बहुत वीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मेडिकल में हो सकता है कि फिर आपको निकाल दिया जाए। तो आपकी अगर आई 6x6 है तो आप इस फॉर्म को जरूर फिल कीजिएगा, और आप सारी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो, जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर मेल के अंदर जो फिजिकल स्टैंडर्ड दिखाया गया है वो अप टू 30 साल तक अगर आप हैं तो 60 मिनट के अंदर आपको 1600 मीटर की जो दौड़ है वो कंप्लीट करनी होगी। लॉन्ग जंप जो आपको 12.5 फीट, और हाई जंप जो है आपको 3.5 फीट, और वैसे ही एज के अनुसार आपको लिखा हुआ है, आप यहाँ पे चेकअप कर सकते हैं। फीमेल की अगर मैं बात करता हूँ तो 5 मिनट के अंदर उनको 800 मीटर दौड़ना है, और लॉन्ग जंप जो है उनको 9 फीट, और हाई जंप जो है उनको 3 फीट करनी है। हाइट की बात करता हूँ तो मेल के अंदर आप 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, अगर रिलैक्सेशन में है तो 5 सेंटीमीटर का आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। चेस्ट के अंदर 78-82 आपकी चेस्ट होनी चाहिए, और आप एक्सपेंड कर सकते हैं 4 सेंटीमीटर, यानी कि लगभग 2 इंच से थोड़ा सा कम आपका एक्सपेंड होना चाहिए। अगर मैं फीमेल की बात करता हूँ इसके अंदर से, सॉरी वो इंटरप्ट हो गया था बीच में, तो अगर मैं फीमेल की बात करता हूँ तो हाइट उनके लिए 157 चाहिए, और रिलैक्सेशन उनको भी 5 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। ये आपका जो है फिजिकल डिसेबिलिटी मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में दिया हुआ है, ये आप पढ़ लीजिएगा। मेनली डिटेल जो भी फॉर्म से रिलेटेड थी वो मैं आपको बता चुका हूँ। इसके आगे या इससे ज़्यादा आपके लिए जानने के लिए कोई
बेनिफिट नहीं है, आपने इतनी जान ली है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, और आपने फॉर्म को फिल कर दिया है तो आप इजीली अपनी तैयारी में लग जाइए। कट ऑफ जो है इस बार हो सकता है थोड़ी सी हाई जाए, तो आप उसके लिए बिल्कुल भी परेशान ना होइए, क्योंकि अगर आपकी कट ऑफ हाई जाएगी तो आपका पेपर भी इजी होगा। और आप एक्यूरेसी को मेंटेन करिएगा, क्योंकि इस बार नेगेटिव मार्किंग है, और नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये नहीं है कि आप 100 के 100 सवाल करें, एक्यूरेसी का मतलब आप 60 सवाल करें तो 60 के 60 सवाल आपके ठीक होने चाहिए, 1-2 सवाल अगर आपका गलती होता है तो एक्यूरेसी से आपके मार्क्स जो है अच्छे आएंगे। और अगर मैं आपको टिप्स देना चाहूँ, क्योंकि मैंने भी SSC का 2 बार CPO का एग्ज़ाम जो है 2019 और 20 का क्लियर किया है, तो SSC के जो आपके रीजनिंग और सारे मैथ के एग्ज़ाम होंगे, यानी कि मैथ के जो टॉपिक होंगे, थोड़े कैलकुलेटिव होंगे, तो कैलकुलेशन पे आपका थोड़ा सा पकड़ होना चाहिए अगर आप SSC के एग्ज़ाम जो है क्लियर करना चाहते हैं। और अगर मैं आपको लास्ट मिनट एक टिप्स देना चाहूँ लास्ट के अंदर, इस एग्ज़ाम को आप कैसे क्लियर कर सकते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिए अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है, क्योंकि आप अगर नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपका मैथ और रीजनिंग कंप्लीट होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए, किसी भी साइट से आप मॉक टेस्ट खरीद सकते हैं और इजीली उसको लगा सकते हैं। जितने ज़्यादा आप मॉक टेस्ट लगाएंगे आपकी स्पीड इंक्रीज होगी और आपकी एक्यूरेसी जो है वो बढ़ेगी, जिससे आपको फाइनल एग्ज़ाम जब आपका जिस दिन होगा कॉन्फिडेंस रहेगा और आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे और आपकी सिलेक्शन जो है ज़रूर होगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।